आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप सभी को 11 से मल्टीप्लाई यानी कि n इंटू 11। n मतलब कोई भी संख्या हो, एनी नंबर ऑफ कोई भी संख्या हो, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, पांच डिजिट, कितनों भी डिजिट की संख्या हो और अगर उसको 11 से गुना करने के लिए कह दिया जाए तो उसको किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, इसी के विषय में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए तो जनरल मेथड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रिक को अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक को अपनाएंगे, इसी के विषय में आज हम आप सभी के पास चर्चा करने वाले, जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ये जो है 2 है, 2 को हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। 2 को राइट डाउन करने के बाद इन दोनों को आपस में इंक्लूड कर देंगे, तो इंक्लूड करने पर कितना आ जाएंगे, 3 आ जाए। फिर इस 1 को यहाँ पर लिख देने, 132 इसका सही आंसर आ चुका है। बस आपका बस इसी टाइप से करना है। आइए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय खींचेंगे। यहाँ पर कितने 8 है, सबसे पहले 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। 8 लिखने के बाद इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद कितने आ जाएंगे, 6, 8, 14 आते हैं, तो 14 को यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब यहाँ 6 में जो कैरी गया था वो यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे 7। आइए इसको थोड़ी सी डिटेल्स में समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें फास्टली तरीके से चले जाएंगे। जैसे कि 6 और 8 थे और इंटू करने थे 11 से, तो इसको हम क्या किए, सबसे पहले 8 यहाँ पर लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 8 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 6 + 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आनेंगे 14। यानी कि 14 के सिर्फ 4 लिखने, 1 को नहीं लिखने, 1 क्या करने, इस 6 के साथ प्लस कर देने, यानी 1 को 6 के पास प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7, यानी 7, 4, 8 इसका जो है आंसर निकल के आ जाएंगे। यही इसमें ट्रिक लगाएं। आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले इस 4 को, तो 4 यहां पर सबसे पहले लिख देंगे। लिखने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 के 0 हो जाएंगे, और 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी 8 0 7 4 इसका सही आंसर होंगे। आइए यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जोड़ते हैं, सबसे पहले ये 8 है, 8 को सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद 8 × 2 कितने हो जाएंगे, 10 के यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। 4 × 2 = 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 यहाँ पर लिख देंगे। अंतिम में यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 4 × 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है 3 × 3 ही हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को गुना करने पर हमें इतना प्राप्त होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 7 है, 7 को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर यहाँ पर देखिए, 7, 7, 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 7 × 6 = 13। 13 के यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 चला जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 को 1 लिखेंगे, फिर से कैरी करेंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, यानी 5137 इसका जो आंसर है। ये तो थी 11 के साथ। अब आगे चलते हैं, 111 जब रहेगा तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। आइए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर 111 रद्द दिया जाए तो इसको किस प्रकार से समझाएंगे, यानी कि n इंटू 111, अगर n के साथ, n मतलब कोई नंबर जो है 111 के साथ गुना करने के लिए पूछ दिया जाए तो किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, यह भी हम इस बारे में, इस ट्रिक में समझेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही गजब का ट्रिक है। ट्रिक को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप सभी भी यहाँ पर सीख जाएंगे। इसको हम एक बार यहाँ पर करके दिखाते हैं, फिर हम यहाँ पर जो है स्पीडली चलेंगे, देखते हैं कि किस प्रकार से हमको जो यहाँ पर करने होते, हमें जो इसको करने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 7 है, इस 7 को यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 है तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 4 + 7 को हम इंक्लूड करेंगे। 4 + 7 को इंक्लूड करेंगे तो आएगा कितना, 4 और 7 को हम इंक्लूड करते तो हमारा आता 11। 11 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। 11 को हम यहाँ पर कितने लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। अब फिर से क्या करना है, दोबारा क्या करना है, इन तीनों को जोड़ने हैं, याद रखिएगा, आपस में इन तीनों को हमको इंक्लूड करने, यानी कि यहाँ पर करने होंगे 3 + 4 + 7,
तीनों को इंक्लूड करिए, तो तीनों को इंक्लूड करने पर 7 3 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, और 1 कितने थे केरी, यानी यहाँ पर हो चुकी है आपका 15, यानी कि 15 हो चुकी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, 1 क्या होगा हमारा केरी चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 3 और प्लस 4 को जोड़ेंगे, तो 4 3 कितने हो जाएंगे 7, और 1 केरी था, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 8 हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम में कितने 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, अतः आपका यही आपका रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 38517। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। आइए इसको फास्टली करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इस 5 को यहाँ 5 को लिख देते हैं, उसके बाद इन तीनों को, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप में तीनों को इंक्लूड कर लेना, यानी 6 4 10 5 15, 15 के 5 हो जाएगा केरी, आपका 1 चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना, 6 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, अब यहाँ पर 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने इजी तरीके से मैंने 111 को भी यहाँ पर गुना करके दिखा दी।